ओ हार्ड बड़े तुझे तुझे क्या है जा... अस्सलाम वालेकुम एंड क्या हाल चाल है सभी का। वेलकम बैक हो गया एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। जैसा कि टाइटल और थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने लगा हूं अपना सेंसिटिविटी प्लस कंट्रोल कोड। उसके अलावा क्लचेस तो मैं कहता हूं जो सम किस्म के होने लगे हैं। पहले तो आप लोग ये वाला 1v3 देखो। अभी पुचिंगी के अंदर मैं आता हूँ, साथ ही ना मछलियाँ लेकर एक स्क्वाड मेरे पर पुश करवा देता है। मछली लेकर रिकॉल से जैसे ही गुजर रहा था ना कि बाबा जी यहाँ पर एक पूरा का पूरा स्क्वाड सपोर्ट हो जाता है मुझे। इवेंट क्लियर करने के बाद मैं जैसे पजिगिंग के अंदर आता हूँ ना, यहाँ पर एक बंदा मेरे ऊपर पुश करवा देता है। इसको यहाँ पर फिनिश डालता हूँ, साथ ही इसका बाकी स्क्वाड आ जाता है। अभी यहाँ पर इवेंट के ऊपर मैं होता हूँ, साथ ही ना एक स्क्वाड मेरे ऊपर पुश करवा देती है। यहाँ पर फर्स्ट एड लगाते लगाते लगता एक स्क्वाड आ जाती है, जो कि यहाँ पर मेरे 2 किल भी चोरी कर लेते हैं। अभी जस्ट पजिंगिंग के अंदर रिकॉल होकर आता हूँ, साथ ही ना यहाँ पर एक गाड़ी का साउंड आता है। दो बंदे इनके यहाँ पर इजीली नॉक हो चुके हैं, दो बंदे इनका गाड़ी लेके ऐसे निकल ही रहे थे कि मैं सीधा उन पर पुश करवा देता हूँ।
कोचिंग ही के अंदर अभी मैं होता हूँ, साथ ही ना एक दुआ मेरे पास प्रॉब्लम है। गाड़ी लेके ना मुझे लगा इन्हीं के दो टीममेट यहाँ से जा रहे हैं, इनको ऐसे ही नोक छोड़ के ना मैं इस स्क्वाड के पीछे लग जाता हूँ। अभी बाबा जी यहाँ पर ना जिन दो बंदों को मैंने नॉक किया था ना उनको फिनिश करवाने के लिए जैसे जाता हूँ, दो बंदे भी यहाँ पर रिवाइव हो चुके थे, मतलब यहाँ पर दोबारा से क्लच वाला सीन बन जाता है। इनका चौथा बंदा यहाँ पर होता नहीं है तो इनको यहाँ पे मैं करवा देता हूँ फिनिश। को फिनिश करवाने के बाद ना जो मैंने फ्लेयर जलाई थी ना यहाँ से मुझे मिल जाती है ग्रोजा और साथ में AWM भी मिल जाती है। जैसे यहाँ पर इस घर के अंदर आता हूँ साथ ही मछली लेकर ना एक स्क्वाड मेरे पर पुश करवा देती है। ये क्लच मैंने सिर्फ इसीलिए ऐड किया था कि भाई जो लोग मुझे बार बार कमेंट करते हैं ना भाई आपकी गेम लैग नहीं होती, तो भाई लैग बहुत करती है गेम मेरी भी। अभी लग गया, सबसे पहले आप लोग मेरी KD भी चेक कर लो, 9.5 से भी ज्यादा की KD है, इसीलिए कम है कि भाई क्योंकि मेरा मोबाइल बड़ा लैग करता है यार, मैं क्या करूँ। बाकी जो बंदे कहते हैं कि आप लोग गोल्ड लॉबी खेलते हो मुझे कहते हैं, तो भाई देख लो रैंक भी देख लो और लगे हाथ मेरा सर्वर भी देख लो, जो मुझे कहते हैं कि एशिया सर्वर खेलते हो तो भाई मिडिल ईस्ट का सर्वर है मेरा, झूठे इल्जाम ना लाया करो मेरे। ओके, हाँ अगर आप लोगों का कोड वर्क नहीं करता तो फ्रेश कोड जो है ना मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा, तो वहां से आप लोग कॉपी पेस्ट भी मार सकते हो। मछली लेके यहाँ से गुजर ही रहा था कि बाबा जी यहाँ पर ना एक पूरा का पूरा स्क्वाड होता है, ये पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, इस वजह से थोड़ा सा फॉल बैक और करता हूँ। तो बाकी बंदे होते हैं ना भाई वो घर वाली साइड पे भाग जाते हैं, तो मैं सीधा मछली लेकर उन पर पुश करवा देता हूँ। Awesome. आप लोग ये ना सस्ता सा 1v3 देखो, वड़ के जकू काम मरा हुआ है। क्लच दिखाने वाला तो नहीं था, लेकिन भाई साहब ये लोग क्या करते हैं रिकॉल लेकर ना वापस आ जाते हैं, और भाई इस टाइम ये पूरे के पूरे 4 बंदे होते हैं। और इसलिए ज्यादा इधर उधर हिल रहा है क्योंकि भाई मेरी गेम बहुत ज्यादा लैग कर रही थी यहाँ पर। अच्छा
Nice. दो दफा इन पे मैं क्लच कर चुका हूँ, ये तीसरी बार फिर से रिकॉल लेकर ना यहीं पर आ जाते हैं। सिर्फ ये बंदा ना एक दो गोलियों की मार थी, वरना मेरा रिफ्लेक्स यहाँ पर बड़ा जंबो कार्ड था। खैर कोई बात नहीं, चलते हैं हमारे अगले क्लच पे। अभी भाई साहब मछली लेकर जैसे यहाँ पर आता हूँ सामने पूरा स्क्वाड। साथ पाओ जी, यहाँ पर हमारा क्लच होता है कंप्लीट। क्या कर रहा हूँ यार, यहाँ पर ना मेरे साथ मोहिमो हो जाता है। कार मेरे पास ऑटो पड़ा होता है तो मैं रिकार लेकर सीधे इन घरों पर आ जाता हूँ। इसी के साथ बाबूजी यहाँ पे हमारा क्लच हो जाता है कंप्लीट और हमारा रिवेंज भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला क्लच जो है ना इस वीडियो का लास्ट क्लच होने लगा है। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना मुझे। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर लेना। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। Marked a location.